वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है सेफ वर्क मेथड। किसके लिए? मैकेनिकल वर्क के लिए। जो भी इंडस्ट्रीज़ में होने वाले जो मैकेनिकल वर्क चल रहे हैं, मशीनरी वर्क चल रहे हैं, किसी भी मशीन से रिलेटेड वर्क हैं, उनके बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, कोई भी काम चल रहा है इंडस्ट्री में, अब मैकेनिकल वर्क है। मैकेनिकल वर्क जो है वो भी हैजार्डियस हो सकता है, बिल्कुल उसमें खतरे हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उस मैकेनिकल वर्क को चेक करना होगा। पहले हमें एनालाइज करना होगा कि इसके अंदर कितने हैजार्ड है। अब उसके अंदर जितने हैजार्ड है उनके बारे में जानना कि किस किस तरीके से ये इस तरीके के हैजार्ड हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें यही जो बताया गया है कि कोई भी मैकेनिकल वर्क अगर हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो सेफ कंडीशन में रहे। ठीक है, अब जैसे कि मैकेनिकल वर्क है, जैसे कि वर्किंग लोड हो रहा है, इक्विपमेंट टैकल करना, ठीक है, तो हमेशा याद रखें कोई भी लिफ्ट है जो लोड्स जो कैरी कर रही है तो उसमें क्या है, हैवी लोड, मतलब उसके जितना जो भी मशीन रेसिस्ट कर सके उतना ही उस पर वजन डालना, एक्स्ट्रा लोड नहीं हमें एक्सेस करवाना है उससे। ठीक है, तो क्या है, उसको कैसे टैकल करना है लोड्स लेने के बाद, वो सब के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों की एक SOP बनी होनी चाहिए कि कौन सी जो लिफ्ट है, कौन सी हाइड्रोलिक लिफ्ट है जो इतना वेट जो वो बेयर कर पाएगी, जो कर पाएगी उसी को वो सामान देना है। तो इस तरीके से सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट रहता है, जो कि आप इसको SOP भी बोल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वो बनाते हैं। ठीक है, अब उसमें यही बताया जाता है कि जो भी मशीन आप यूज़ में ले रहे हैं उसके साथ कैसे वर्क करना है आपको। जब आपको एक बार ये पता चल जाता है कि ये मशीन है, इसके साथ इस तरीके से वर्क करना है, तो आप उस पर इजीली वर्क कर सकते हैं और जो भी SOP उसकी मेंटेन रहती है उसके तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि सबसे पहले ना आपको बताना होगा किस प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहा है, किस एरिया में वो मशीन है, कौन सी मशीन के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो सारा मेंशन करके कितना क्या वो बेयर कर सकती है और कितना लोड आपने उस पर बेयर करवाया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इस तरीके की एक SOP रहती है जिस पर आप फिल करते हैं। साथ ही कोई भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी सीलिंग्स आप चेक कर लें। ठीक है, साथ ही चेक कर लें कि वो कितना यूज़ेबल है, ऐसा तो नहीं उसका कोई पार्ट ख़राब हो। ये सारी चीज़ें आपको उसी समय चेक करनी पड़ेंगी, उसी के बाद आप उसको किसी वर्क के लिए दे सकते हैं। रेगुलर वर्क में चल रही है तो उसका इंस्पेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि विदाउट इंस्पेक्शन आपको नहीं पता चलेगा कि क्या उसमें कमियाँ हैं। जब तक आप चेक नहीं करेंगे, इंस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये कहता है कि क्वेश्चंस, अगर कोई भी वर्क चल रहा है, कोई एक्सरसाइज आपकी इंडस्ट्री में चल रही है, तो आपको उसके लिए क्वेश्चन में ये रहेगा, जब वो क्वेश्चन लगा होगा तो उसमें क्या होगा, वो क्वेश्चन इंडिकेट करेगा कि ये जो वर्क आप कर रहे हैं वो सेफ नहीं है। ठीक है, इससे आप जानकारी ले पाएंगे कि ये जो वर्क चल रहा है वो अनसेफ है या सेफ है, नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या है आप जान पाएंगे। जैसे कि कोई वर्क चल रहा है, आपने वहाँ नोटिफिकेशन लगा दिया कि यहाँ ये वर्क चल रहा है, ये एरिया जो है बैरिकेटेड है या जो भी है, तो उस तरीके का क्वेश्चन लगाने से पता चल गया सामने वाले को कि यहाँ हमें नहीं जाना है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ठीक है, साथ ही कोई भी अगर ऐसा एक्सीडेंट आप देखते हैं किसी इक्विपमेंट के साथ, या कोई भी ऐसा इंसान इंडस्ट्री में एंटर किया है जिसको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप उसको प्लीज़ पहले ट्रेंड करें, उसी के बाद उसको आगे बढ़ने दें, वरना क्या हो सकता है, एक एक्सीडेंट का एक सीन सामने आ सकता है। ठीक है, कोई भी नुकीली चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं, रोप्स अगर, जैसे मान लीजिए आप हाइट पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अब आपने उसके साथ अपना जो सेफ्टी बेल्ट है वो पहन रखा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि वहाँ आप कोई भी ऐसा सामान जो है वो ना रखें, जैसे नुकीला सामान हुआ या कुछ भी, या ऐसा ना हो कि वहाँ पे क्या है, हाइट्स पर क्या है, एक हिंगर टाइप का, हिंज करने का एक लॉक टाइप का रहता है, जिसपे क्या हुक टाइप का रहता है, जिसपे सामान अटैच कर देते हैं, तो इधर भी आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि मैकेनिकल वर्क है उसमें ह्यूमंस को भी केयरफुल रहना है। ठीक है,
आपको बाकी जो और भी चीज़ें हैं उनको अवॉइड नहीं करनी है, ऐसे इससे रिलेटेड छोटे छोटे एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिकल वर्क और वेल्डिंग वर्क अगर आप किसी मशीनरी से चल रहा है या मशीनरी के आसपास चल रहा है तो उसका भी आप ध्यान दें कि उनकी वजह से कोई एक्सप्लोजन ना हो जाए। तो देखिए ये जो मैंने सेफ वर्क मैथड आपको स्टेटमेंट जो लगा के रखा है वो इसलिए लगा रखा है, इसको आप SOP के थ्रू भी बोल सकते हैं, ठीक है, SOP भी बोल सकते हैं। जो काम ये बोल रहा है वही काम SOP करेगा, ठीक है। बस इसमें ये बताया गया है जो भी आप मैकेनिकल वर्क यूज़ कर रहे हैं, मशीन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क चल रहा है, तो उसमें आप कैसे सेफ रहें, सबसे पहले ये भी चेक कर लें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसी हो रही है, ऐसा तो नहीं वहाँ पर DC AC करंट की वजह से DC करंट आ रहा हो तो जिसकी वजह से करंट फ्लो ज़्यादा हो जाए और किसी को शॉक लग जाए। तो ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मैकेनिकल वर्क चल रहा है, हैजार्ड्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, तो ये जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको ये ऑल ओवर यही बता रही हूँ इसमें कि कोई भी मैकेनिकल वर्क चल रहा है तो आपको सेफ वर्क मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे जो कि आपको SOP से ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे हैजार्ड हैं, आप ऐसे एक एक हैजार्ड के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे ज़्यादा हमें ध्यान किस पर देना होगा, लोड्स पे, बियरिंग लोड्स, ये लिफ्टिंग मशीन्स रहती हैं इन पे, जिससे कि क्या होगा, होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं ज़्यादातर इसी से सामने आते हैं, तो आप उनको पहले से ही कंट्रोल में रख पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके के क्या है मैकेनिकल वर्क के लिए सेफ मेथड्स कुछ हैं जिसमें कि आपको इंस्पेक्शन करना है, बाकी देखिए सभी चीज़ आप इंस्पेक्ट करते हैं तो आप बहुत हद तक हैजार्ड रोक सकते हैं, पर हर वक्त करने के लिए एक अलग SOP बनाई जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेबिलिटी प्रोसेस जो बनती है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। तो देखिए ये आपको जानना है कि आपके यहाँ किस मशीन से वर्क चल रहा है, क्योंकि ये ऑल ओवर सभी चीज़ों के लिए रहता है। आप जिस भी वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं वहाँ किस तरीके की मशीन से क्या क्या वर्क कराए जा रहे हैं और किस तरीके के हज़ार्ड हो सकते हैं, ये सब आप ही एनालाइज कर सकते हैं। पहले JSA होगा तब SOP बनेगी, देन आप उसके बाद कोई भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आज ये आपको सेफ वर्क मैथड बताया मैकेनिकल वर्क के लिए, ये आपके इस टॉपिक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही था, एक सेफ्टी से रिलेटेड जो रहते हैं सारे, उन्हीं में से एक मैकेनिकल वर्क मेथड भी है, तो ये मैंने आपको बताया। सो थैंक यू।